हाय फ्रेंड्स, मेरे राठौर स्वागत करता हूँ हमारे इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, ये वीडियो हम बहुत दिनों बाद बना रहे हैं। हमारा वीडियो के बहुत ज़्यादा ही लंबा हो चुका, कम से कम 15-17 दिन हो चुके हैं जिसके बाद हम ये वीडियो बना रहे हैं। हम गए हुए थे बाहर शादी में, इस कारण मैंने कोई भी वीडियो नहीं बनाई है। तो आज हम फिर से वीडियो पर काम करना स्टार्ट कर रहे हैं, तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि जो कॉपीराइट नोटिसेज होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, और जिन जो आपको कॉपीराइट नोटिस दिए जाते हैं वो आपके वीडियो पर क्या क्या असर उनका होता है, और आपके वीडियो मैनेजर में किस प्रकार से वो शो होते हैं, और आपको उनके साथ क्या करना चाहिए, इनका यूज़ कैसे करना चाहिए, और उनके जो सॉल्यूशन है वो किस प्रकार से आपको निकालना चाहिए, यही सब बातें आज हम आज की वीडियो में बताएंगे। तो चलिए आज की वीडियो फिर से स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, YouTube की तरफ से जो हमें कॉपीराइट नोटिसेस दिए जाते हैं वो तीन प्रकार के होते हैं, तो मैं एक एक करके आपको तीनों की जानकारी दूंगा। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि कौन सा कॉपीराइट क्या फ़र्क पड़ता है उससे हमारे वीडियो पर। सबसे पहला जो कॉपीराइट नोटिस होता है वो इंक्लूड कॉपीराइट कंटेंट होता है, जिसके अंतर्गत आपका वीडियो मतलब किसी अन्य वीडियो से मिला हुआ होता है, जिसके कारण अगर आपका चैनल मोनेटाइज ऑन है तो मतलब उस पर आप अर्निंग नहीं कर सकते। हालांकि आपका वीडियो चलेगा लेकिन उस पर से अर्निंग रोक दी जाएगी, क्योंकि वो किसी थर्ड पार्टी या ओरिजिनल ओनर का वीडियो होता है जिससे आपका कंटेंट मैच होता है, जिससे आपके वीडियो पर अर्निंग रोक दी जाती है। तो ये पहला है। अब मैं दूसरा बताता हूँ, एक कॉपीराइट नोटिस ऐसा आता है जिस पर आपका वीडियो चलता है, उस पर मतलब अर्निंग भी रहती है लेकिन उसे आपको शेयर कर दिया जाता है, मतलब आपकी अर्निंग को शेयर कर दिया जाता है, जिससे कि आपको भी पैसा मिलता है और जिसका वीडियो है मतलब जो ओनर है वो अपनी वीडियो का रेवेन्यू शेयर कर लेता है, जिससे आपको भी उसका पैसा मिलता है और ओनर को भी पैसा मिलता है, ठीक है। और तीसरा जो कॉपीराइट नोटिस होता है वो सबसे हार्ड होता है, जिससे कि आपके चैनल पर चैनल को खतरा भी हो सकता है या खतरे का कॉपीराइट आप उसे बोल सकते हैं, वो होता है कॉपीराइट स्ट्राइक, जो कि आपके चैनल पर जो वीडियो होता है उसे बिल्कुल रिमूव कर देता है। ये स्ट्राइक वो लोग लगाते हैं जिनका ये ओरिजिनल कंटेंट होता है, और वो लोग ये चाहते हैं कि अगर मतलब वो लोग ये चाहते हैं कि उनका वीडियो कोई अन्य अपने चैनल पर अपलोड नहीं करे। जैसे कि आपने किसी का भी गाना अपलोड कर लिया, अगर वो नहीं चाहता कि आपका उसका गाना आपके चैनल पर चले तो आपको कॉपीराइट स्ट्राइक लगाएगा, ठीक है, इससे कि आपके चैनल से वो गाना हटा दिया जाएगा और आपके चैनल पर एक कॉपीराइट स्ट्राइक दी जाएगी। अगर 3 महीने के अंदर 3 कॉपीराइट स्ट्राइक होती है तो आपका चैनल बंद हो सकता है। तो चलिए इन पर डिटेल से बात करते हैं और वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। दोस्तों, कि जैसा कि मैंने पहले बताया कि पहला जो कॉपीराइट नोटिस होता है वो इंक्लूड कॉपीराइट कंटेंट होता है, तो इसका आप ये वीडियो मैनेजर पर किस प्रकार से दिखाई देता है आप इसे देख लीजिए। ये देखिए, इस प्रकार से आपको दिखाई देगा जिस पर आपका कॉपीराइट कंटेंट यानी इंक्लूड कॉपीराइट कंटेंट होगा, जिससे कि आपके चैनल पर जो वीडियो रहेगा उस पर से अर्निंग रोक दी जाएगी, आपका वीडियो चलेगा, आपके पास ईमेल भी आता है, तीनों कॉपीराइट के ईमेल आपके पास जरूर आएंगे, अगर आप उन्हें अपने ईमेल में चेक करेंगे तो बिल्कुल आपको मिलेगा। ये पहला कॉपीराइट कंटेंट मतलब इंक्लूड कॉपीराइट कंटेंट है, जिससे कि आपके वीडियो पर अर्निंग रोक दी जाती है हालांकि आपका वीडियो चलता है, और जो ओरिजिनल ओनर होते हैं वो भी इसे डिलीट करने से मना कर देते हैं, उन्हें कोई आपत्ति नहीं होती, बस उसने इस चैनल से मतलब यानी इस वीडियो से अर्निंग रोक देते हैं और उस वीडियो को चलने देते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं हम दूसरे वाले कॉपीराइट नोटिस की, जो कि एक जिसमें आपको रेवेन्यू जो कि आपकी अर्निंग है उसे शेयर कर लिया जाता है, वो आपके वीडियो मैनेजर में इस तरीके का दिखाई देता है। देखिए, यहाँ पर आपकी अर्निंग है जो कि शेयर कर ली जाती है, जो ओरिजिनल ओनर है उसे भी मिलती है और आपको भी मिलती है। अब मुझे अभी तक ये नहीं पता चला है कि कितना उसके पास जाता है और कितना परसेंटेज, मतलब जो भी अर्निंग का परसेंटेज है वो कितना परसेंटेज ओरिजिनल ओनर के पास जाता है और कितना हमें मिलता है। हालांकि हमें मिलता ज़रूर है, तो ये नोटिस हमारे लिए अच्छा भी है, लेकिन जो हमारे यूट्यूब चैनल है वहाँ पर ये नोटिस हमारे कॉपीराइट नोटिस के कॉपीराइट नोटिस में जुड़ जाता है, जो कि हमारे चैनल को आगे मतलब उससे हमें फ़र्क तो नहीं पड़ता है, हमें अर्निंग मिलती है उसकी, लेकिन जो हमारा कॉपीराइट नोटिस है वो हमारा ओपन हो जाता है इस शेयर रेवेन्यू के जरिए भी, ठीक है। अब मैं बताता हूँ तीसरा वाला। तो दोस्तों, ये सबसे ख़तरनाक कॉपीराइट नोटिस है, जिससे कि हमारे चैनल पर खतरा भी हो सकता है। ये हमारे वीडियो मैनेजर में इस तरीके का दिखाई देता है, जहाँ सर वीडियो डिलीट कर दिया जाता है, केवल उसका URL बचता है और हमारे पास ईमेल भी आता है, जैसे कि मैंने पहले ही बताया तीनों के ईमेल आते हैं, और इस तरीके का कॉपीराइट जो हमें स्ट्राइक मिलती है, यह हमारे चैनल के लिए बहुत ही खतरनाक साबित हो सकती है। अगर 3 महीने में ऐसी 3 स्ट्राइक हमें मिल जाती है तो
तो हमारा चैनल बंद हो जाता है। ठीक है, हमारे पास केवल 7 दिन रहते हैं उन स्ट्राइकों को रिमूव करवाने के लिए। अगर आप चाहें तो उन्हें आप जिन्होंने भी कॉपीराइट स्ट्राइक दिए उनसे आप बात करके इन स्ट्राइक को रिमूव करवा सकते हैं और अपने चैनल को बचा सकते हैं। तो ये तीसरा जो कॉपीराइट स्ट्राइक है ये हमारे कॉपीराइट नोटिस के अंतर्गत ही आता है। इसमें आपका चैनल बंद होने की संभावना में चला जाता है अगर आपके पास 3 कॉपीराइट स्ट्राइक आती है। तो इस स्ट्राइक से बचने के लिए आप ओरिजिनल कंटेंट का यूज़ कीजिए, और अगर आप किसी का कंटेंट यूज़ कर रहे हैं तो पहले उनसे उनकी इजाज़त ले लें। अगर वो मना करते हैं तो बिल्कुल आप उसे अपने चैनल पर मत अपलोड कीजिए। अगर ऐसा करने के बाद आपके चैनल पर स्ट्राइक आती है तो गलती आपकी ही मानी जाती है, क्योंकि आपको ओरिजिनल ओनर ने मना किया होता है। तो ये 3 तरीके के कॉपीराइट स्ट्राइक या कॉपीराइट कंटेंट, जो इंक्लूड कॉपीराइट कंटेंट होता है, शेयर, रेवेन्यू, ये तीनों नोटिस आपके मतलब चैनल को चलाने के लिए आप इनका ध्यान रखिए, इन्हें जानिए और इनका क्या क्या सॉल्यूशन है बिल्कुल आप अपने मतलब अपने चैनल के लिए इन्हें यूज़ कीजिए, इनका मिसयूज़ ना कीजिए। जैसे कॉपीराइट स्ट्राइक आती है तो आप किसी और का वीडियो बिना इजाज़त के अपने चैनल पर अपलोड नहीं कीजिए। अगर इंक्लूड कॉपीराइट कंटेंट आता है तो आप उसे रिमूव कर दीजिए, क्योंकि आपका कॉपीराइट नोटिस ओपन हो जाता है। शेयर रेवेन्यू में अगर आप चाहते हैं कि उस वीडियो से अच्छी खासी कमाई हो रही है तो आप उसे चलने दीजिए, अन्यथा आप उसे डिलीट भी कर सकते हैं, जिससे आपका कॉपीराइट नोटिस बोर्ड हट जाएगा और हमारा चैनल बिल्कुल फ्रेश दिखाई देगा, जिससे कि हमारे चैनल की जो आगे बढ़ने की प्रोसेस है वो जल्दी से जल्दी तेज हो जाती है। और हमारे जो YouTube के हेड होते हैं वो हमारे चैनल को प्रॉपर चेक करते हैं और मतलब समझ रहे हैं आप कि हमारा चैनल कैसा चल रहा है, किस तरीके से इसमें जो भी हरकतें हो रही है पूरी नोटिस करते हैं जो हमारे YouTube के ऑपरेटर होते हैं। तो आप बिल्कुल ध्यान रखिए इन कॉपीराइट नोटिसेस का और इनको कैसे क्या हैंडल करना है बिल्कुल आप समझिए। और आगे कोई अपडेट आता है इससे संबंध में तो मैं बिल्कुल आपको बताऊँगा। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय।